हाँ, तू हंसले हंसले मुझ पे, बट यू नो वॉट, मैं जब लंदन में था ना, मैं अपने दोस्तों से लड़ जाता था, इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए। अरे मैं लड़ लड़ के चीख चीख के उनसे कहता था कि इंडिया चेंज हो गया, इंडिया पहले जैसा नहीं है। बट आई वॉज रॉन्ग, यहाँ आके मुझे पता चला कि आई एम रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, मैं गलत हूँ यार, इंडिया बिल्कुल भी नहीं बदला यार। क्या कहूँ मैं, मतलब लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब पुलिस खुद ही गंदगी फैला रही है और लोग, इट्स क्रेजी, मुझे इरिटेशन हो रहा है, इरिटेशन, आई एम नर्वस, इरिटेशन। पब्लिक सर्वेंट नहीं, लोग पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस। मैडम जी, आज ही नए कपड़े निकाले थे और आपने आज ही इनका उद्घाटन कर दिया, कीचड़ उड़ा के। सॉरी। जब आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्यों चला रही है? पूरी बुस्सट का सत्यानाश कर दिया। बात करती है। हेलो, एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? मतलब ये बात करने का तरीका होता है एक लेडी इंस्पेक्टर से? हाँ, थोड़ी इज्जत से बात कीजिए और थोड़ी तमीज से। ये बुशट बुशट क्या बोल रहे हैं? बुशट, व्हाट इज बुशट? शर्ट होता है, शर्ट। आप इन औरतों को नहीं जानते। प्यार से सॉरी बोल रहे हैं तो हजम नहीं हो रहा है, ऐसा लोट लोट के नागिन डांस करवाऊंगी कि आगे आने वाले 6 महीने तक ना चक्कर खा जाओगे, क्या समझे? चलो। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? चलो जाओ, घर जाओ, अपने काम करो अपना। वो गर्दन पे जी, जी। वैसे जितना जोर से आप चिल्लाए थे ना, अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम। नाम क्या बताया था? बताया था, मैं बताता हूँ, मतलब अभी भी है मेरा वही नाम, किशन ठाकुर। किशन ठाकुर। हाँ तो ठाकुर साहब, हम ये कह रहे थे जितना जोर से आप चिल्लाए थे, अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम उसको मार देते। यही ना, मैं जानता हूँ, वैसे भी मार तो चुकी हैं आप, मतलब मार तो चुकी हैं आप मुझे। आप पंच मारा था आपने, मतलब वो मंदिर में, ज्वेलरी शॉप में, अपने घर में, क्या मारती हैं आप, मतलब पंच जब मिलती हैं पंच, मुझे आधा तो दिखता ही नहीं है। एक बात तो कहना भूल गए आपसे। जी कहिए ना। सॉरी। हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली। अरे वाह, क्या मारा है! अबे ताली तो मार! शूम, शूम, लात मारा भाई, मैं भी ऐसे ही मारूंगा, देखना। किसको मारेगा? किसी को तो मारूंगा। मैं इसको मारूंगा। क्या मारा, वाह वाह वाह! अरे जोकरो, ये पिक्चरें देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करो काम। जब देखो टीवी फिल्मों में लगे रहते हैं। अच्छा लो, हमें वो नए असाइनमेंट का प्लान बताओ। जल्दी ला टोनी। ये रहा भाई प्लान, ये है अनाथ आलय, एकदम शहर के एकदम बीचों बीच, और ये अनाथ आलय को बिल्डर तोड़ना चाहता है। इस बिल्डर का भाई कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा बच्चा लोग जो है सड़क पर आ जाएंगे भाई। पहले तो हम उस बिल्डर का टांग तोड़ेंगे, उसके बाद अनाथालय को मालिक से खरीद के हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देंगे। वो गोपाल दास से जो गहने चुराए थे उसे बेचकर पैसे ले आओ। जी। देखो कौन है, पता नहीं कौन मर गया।
कौन आ गया? भाई वो आ गया। अरे तुम गाने क्या गा रहे हो, कौन आया बताओ? अरे भाई वही जो हमें शादी में मिला था और गहनों की दुकान में मिला था और जिसे हमने किडनैप किया था। अरे भाई वो हर जगह मिलता है भाई, पता नहीं क्या हो गया, वही आ गया भाई। अरे बाप रे, वो ज्वेलरी की दुकान वाला? हाँ ठीक करो, सबको सब कुछ ठीक करो फटाफट। डॉक्टर वो पेशेंट नंबर वन को ना हरी पीली दवाइयां दे दो और सोनी वो दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगा दो। जी मैम। अरे आप यहाँ पर? वो क्या है ना, मुझे जुकाम, सर्दी, एलर्जी, शायद मलेरिया, ये सब हो गया है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप आराम कीजिए ना घर पर दवा खा के। पर आप तो डॉक्टर है ना? हाँ, है ना, हम डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर ही तो है। हाँ हम सब डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं। जी जी, मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैठिए ना। हाँ वो मैं बस आज ध्यान से बैठिए। थैंक यू। अच्छी पान है मुंह में, रसगुल्ला नहीं है, ज्यादा मोह माया मत दिखाओ, मैं थूक के बात करो। ₹500 तत्काल में। 500 रुपया किस बात के? जुर्माना है पब्लिक स्पेस पे थूकने का। तुम्हारे जैसे गंदे लोगों की वजह से हमारा पूरा देश बदनाम हो गया। पता है क्या कहते हैं हमारे देश को? पब्लिक न्यूसेंस। क्या कहते हैं? हाँ न्यूसेंस, मतलब पता है इसका मतलब है बड़ा खतरा। क्या समझे? समझे ना, बताओ क्या बोल रहे थे? गोपाल दास ज्वेलर्स के शॉप में जो चोर घुसा था। मैडम जी, वो चोर का शकल और आपकी बहन का शकल सेम टू सेम मेल खाता है। लेकिन आपकी बहन चोर कैसे हो सकती है? वो तो डॉक्टर है। और हाँ मैडम, हमने तो खुद भी उनका हॉस्पिटल देखा है अपनी आंखों से। डॉक्टर देखिए ना, अगर जरा सी भी ठंड हो तो मुझे सर्दी हो जाती है, मेरा गला, चेस्ट कंजेशन होने लगती, पेन होने लगता, तकलीफ होने लगती, और मैं सॉरी, और एलर्जी भी है मुझे, पता नहीं किस चीज से, बट एलर्जी तो है। स्नीजेस, वेरी सैड, आई स्नीज सो मच, मतलब मुझे इतनी छींकें आती है, मैं रुकती ही नहीं है, मैं क्या। ओ माय गॉड, और आप खड़ी क्यों हो गई? तो आप क्यों बैठे हैं? आप भी खड़े हो जाइए। मैं भी खड़ा हूं। हमारा मतलब लेट जाइए। लेट जाऊं? हां, डॉक्टर सेंटी, इमरजेंसी चाहिए, इमरजेंसी, ग्लूकोज चढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन मास्क दे दीजिए। मुझे गुदली होती है और थोड़ा आराम। और वैसे अब मेरा हार्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड में है, आप राइट साइड में क्यों चेक कर रहे हैं? क्यों? एक मिनट डॉक्टर सेंटी, अब दिखाइए, हम चेक करते हैं। अब डॉक्टर हम हैं कि तुम? हम आप ही हैं मैडम, बिल्कुल आप हैं। वैसे भी ना हम आपके लंग्स चेक कर रहे थे, हार्ट नहीं, लंग्स तो दोनों साइड होते हैं ना। यस। हाँ, गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, चलिए उठिए घर जाइए। उठिए घर जाइए? पर मुझे बताइए तो सही कि मुझे हुआ क्या है, मुझे भी तो पता हो कि why am I sneezing, एलर्जी है ना, क्यों क्यों? अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको वही हुआ है जो हर NRI को होता है। आपको बस अदरक वाली चाय पीनी है, हल्दी वाला दूध पीना है, थोड़ा सा शहद चाटना है, और हो सके तो ठंडे पानी से बचना है, बस बस। थैंक यू दादी, तुम्हारे नुस्खे बड़े काम आए। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बीमारी की और इतना छोटा इलाज, और आप कह रहे कि बस,
हाँ बस इतना ही। डॉक्टर साहब नहीं, मेरा मतलब आई कांट एग्री विथ यू, यू नो, मतलब मेरा मन नहीं मान रहा। आप प्लीज ठीक से चेकअप कीजिए ना, ये आप लगाइए ना अपने कानों में, और प्लीज एक बार फिर से टेस्ट कीजिए ना चेकअप। यार यही तो प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की, जब तक कोई फैंसी बीमारी ना बताओ, मोटी मोटी दवाइयाँ ना खिलाओ ना, तब तक चैन नहीं मिलता है। चलिए लेट जाइए फिर से। मैं लेट जाऊँ? कर रहे हैं आपका चेकअप, फिर से लेट जाइए। गहरी सांस लीजिए। डॉक्टर मुझे लगता है आपको आपको पल्स नहीं मिल रहा होगा। नहीं आ रहा है, कनेक्शन बराबर है। नहीं नहीं नहीं, कनेक्शन मुझे लगता है वीक है, नेटवर्क भी वीक है, कनेक्शन भी। यहाँ पे ये इधर इधर की कुछ कुछ सुनाई दे रहा है आपको? कुछ फील हो रहा है? देखिए आप प्लीज प्लीज यहाँ पे सेंटी, आज तक मैंने भाई के चेहरे पर ऐसा भाव कभी नहीं देखा। तू सही कह रहा है टोनी। हाँ भाई का हमने गुस्से वाला रूप देखा है, ये शर्माने वाला रूप तो पता नहीं कहाँ से आ गया। लगता भाई को कुछ हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो सब ठीक है, अंदर का भी मामला ठीक है। हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब डॉक्टर सेंटी पानी लेकर आइए जरा पेशेंट के लिए। नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए सच। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे सच में। हाँ तो कोई बात नहीं, मत पीजिए पानी, रहने दीजिए। अरे आप रहने दीजिए। ये ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने? अरे मुझे तो सर्दी थी, मतलब है, और मैं छींके मार रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूअसली मुझे छींके आ रही है, छी करके, और आपने मुझ पे पानी गिरा दिया, वो भी ठंडा पानी। अब तो 100% मुझे निमोनिया हो जाएगा। सर्दी तो दूर की बात है, निमोनिया हो जाएगा मुझे। मेरी दवाइयाँ किधर है? मेरी वेयर आर माय मेडिसिन? मेरी दवाइयाँ कहाँ है? आई नीड टू टेक देम। अगर दवाई नहीं ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। अरे बाप रे, आप तो चलती फिरती केमिस्ट की दुकान है, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप घर जाइए आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे 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 हालात को नहीं समझ रही, मेरी सिचुएशन को आप नहीं समझ रही। मुझे मुझे दवाइयों की जरूरत है, अगर मैंने दवाई नहीं ली तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। आई नीड दिस मेडिसिन। कुछ नहीं होगा आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं होगा आपको, हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा जी। अगर आप जैसी डॉक्टर ऐसा कह दे कि हमें कुछ नहीं होगा तो मतलब सच में हमें कुछ नहीं होगा। मैं दवाई फेंक दूं जी? ये हम रख लेते हैं, बांटने में किसी को काम आएगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वैसे मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता था, क्योंकि आपने मेरे दोस्त की मदद की। राघव मेरा दोस्त? या थैंक यू सो मच। कैसे कर लेती आप, मतलब डॉक्टर भी किडनैपर भी, मैं तो हैरान हूँ बहुत। अब जैसी बीमारी होती है वैसा इलाज ढूंढना पड़ता है, कभी कभार आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। अब हर चीज का इलाज किताबों में थोड़ी होता है ना। आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। वाह, नहीं सच में आई एम सो इम्प्रेस्ड। मैंने तो आज तक लाइफ में ऐसा सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कोई इलाज होता है, आउट ऑफ द वे। आप सच में कमाल है, मैं आपकी कितनी तारीफ करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता, आपका कोई जवाब ही नहीं। हाँ हाँ बहुत कमाल की है।
शुक्रिया। वैसे कंफ्यूजन है। अब क्या है? वो कंफ्यूजन ये है कि उस दिन दुकान में, ज्वेलरी शॉप में, नहीं नहीं नहीं, उस दिन मंदिर में, हाँ, अगर आप डॉक्टर है तो आपने मुझे करेक्ट क्यों नहीं किया? मैं तो खामखा आपको इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बोल के पुकार रहा था। अरे हमारी दादी थी ना वहाँ पर, दादी, अब दादी के सामने हम क्या, कोई भी कुछ नहीं बोल पाता है दादी जी। ओह या दादी, क्या बताऊँ मैं, मतलब दादियाँ तो ऐसी होती है, मेरी दादी भी ऐसी है, मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाता था। एक और कंफ्यूजन। आप कौन सी कंफ्यूजन है? नहीं वही कंफ्यूजन है, बस उसका सेकंड पार्ट है। उस दिन ज्वेलरी शॉप में आप पुलिस के गेटअप में थी, पूरा का पूरा पुलिस का भेस, कैसे, मतलब क्यों, व्हाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे समझा दीजिए। हम भी समझ नहीं पा रहे। हमारा मतलब है कि वो एक दुख भरी दास्तां है, सुनना चाहेंगे आप? जी जरूर जरूर। दरअसल बात यह है कि एक छोटी सी बच्ची है। इतनी छोटी? नहीं, हमारा मतलब है छोटी सी बच्ची है। भाई की बच्ची है क्या? कब हुई? हमें कहा पता? उसे कैंसर है। What? और हम उसे पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर उसको समझाते हैं कि हम बीमारियों को ठेशुम ठेशुम कर भगा सकते हैं। मैं कैसे कहूं आपसे कि I really respect you. आप तो देवी हैं। सचमुच की देवी माँ है, महान है, पर बहन तुम अगर शेर हो तो हम सवा शेर हैं। सारी नौटंकी भुलवा दूंगी। Oh my God, मैं चलता हूँ। जी, दादी जी को चरण स्पर्श। दादी, जी, दादी। बाय, बाय। नहीं, थैंक यू। माता रानी, तुमको तो सबके दिल का हाल पता होता है। हमारी दोनों पोतियाँ जो है ना, वो हमारे आंख का तारा है। हमारे अनुराग की बेटी जो है वो हमारे पास होते हुए भी हम उसको सीने से नहीं लगा पा रहे हैं। हमारे इतने बिनती सुन लो माता रानी की, साक्षी और अग्नि के बीच का जो दूरी है ना, बस उसको कम कर दो। अग्नि बेटा, दादी, मिया, इस तरह सामान लेकर तुम तो कह रहे थे कि जब तक साक्षी नहीं कहेगी तब तक तुम यहां नहीं आओगी। मतलब साक्षी ने हाँ कर दी? हाँ दादी। माता रानी, तुम तो हमारा बात सुन लिया। हाँ दादी, इसे कह रही है, हमने इसे यहां बुलाया था, आज से ये इसी घर में रहेगी।